नमस्कार, मैं प्रांजलि सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। और अब वक्त हो चुका है देश प्रदेश से जुड़ी कुछ खास खबरों का। आईपीएल शुरू होने से पहले लखनऊ टीम को झटका लगा। बता दें कि लखनऊ टीम से गौतम गंभीर ने इस्तीफा देकर शाहरुख खान की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर को ज्वाइन किया। लखनऊ के इंदिरा नगर में सपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर चार हाथों वाली प्रतिमा स्थापित कर मुलायम सिंह को प्रभु धरती पुत्र नेताजी का अवतार बताया गया। सुल्तानपुर के कृषि विज्ञान केंद्र में मौजूद अपने आवास पर विधायक विनोद सिंह ने लोगों की समस्याएं सुनकर निस्तारण किया। इसके बाद दुबे ब्लॉक के कटावा गांव में पहुंचकर विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ कर कार्यक्रम में शामिल हुए। सुल्तानपुर के राजकीय मेडिकल कॉलेज में सौली विधायक ताहिर खान ने मरीजों को फल बांटकर सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय मुलायम सिंह का जन्मदिन मनाया। अमेठी में थाना मुसाफिरखाना के क्षेत्राधिकारी गौरव सिंह और थाना शुक्ल बाजार के थानाध्यक्ष अवनीश चौहान ने पुलिस टीम के साथ मोहना पश्चिम में राम विवाह कौमी एकता मेला और कस्बा का पैदल मार्च किया। अमेठी कलेक्ट्रेट सभागार में विकसित भारत संकल्प यात्रा को सफल बनाने को लेकर संयुक्त सचिव भारत सरकार ने अधिकारियों के साथ बैठक कर आदेश दिए। अयोध्या में आज रात शुरू होगी पंचकोशी परिक्रमा, जिसमें देश भर के राम भक्तों के साथ संत महंत और स्थानीय लोग भी शामिल होंगे। अयोध्या के अति प्राचीन सिद्धपीठ बड़ा भक्तमाल मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित युगल सरकार को 24 नवंबर को सीएम योगी आदित्यनाथ आकर लगभग 1.25 किलो सोने का मुकुट पहनाएंगे। जौनपुर में मुंगराबाद शाहपुर थाना के सिटी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज के स्कूली बच्चों ने विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया, जिसका उद्घाटन मुंगराबाद शाहपुर थाना प्रभारी निरीक्षक त्रिवेदी सिंह ने फीता काटकर किया। लखीमपुर खीरी में सदर कोतवाली से बंदर पकड़ने की शुरुआत हुई। शहर में बंदरों को पकड़ने के लिए नगरपालिका लखीमपुर ने मथुरा से 3 सदस्यीय टीम बुलाई है। लखीमपुर खीरी में अजमानी पब्लिक स्कूल में शिक्षात्मक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में एसपी गणेश प्रसाद साहा और नगरपालिका परिषद अध्यक्ष डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव शामिल हुई। लखीमपुर शहर के विलोबी मैदान में विकसित भारत संकल्प यात्रा का भव्य आयोजन किया गया, जहां डीएम महेंद्र बहादुर सिंह, सदर विधायक योगेश वर्मा, नगरपालिका अध्यक्ष डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव और सीडीओ अनिल कुमार सिंह ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आपको हमारी खबरें कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर इन खबरों को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इन खबरों से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।